नमस्कार दोस्तों, परिवाद भैया 156(3) CRPC से अप्लीकेशन देकर दर्ज करवा दीजिए। कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि 156(3) CRPC के प्रार्थना पत्र में भी परिवाद रजिस्टर करने का आदेश कर देती है, या 190 CRPC में आप प्रार्थना पत्र दीजिए सीधे कि परिवाद ही दर्ज करवाना चाहते हैं, कोर्ट परिवाद दर्ज करने का आदेश कर देगी। अब उसके बाद 200 CRPC, 202 CRPC के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर अगर आपका कोई केस, कोई कंप्लेंट डिपेंड अपन डॉक्यूमेंट पेपर पर होता है, किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर निर्भर करता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा, तभी भी दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। भाई, जब आप परिवाद दर्ज करवाते हैं तो कंप्लेंट के साथ साथ आपके पास अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है तो उसको ज़रूर लगाइए, ख़ासतौर पर अगर कोई केस ऐसा बनता है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित हो। अभी रिसेंटली एक केस ऐसा ही आया था 482 CRPC में, ऑनरेबल हाईकोर्ट में, जो कंप्लेंट के ऊपर था, यानी कंप्लेंट केस था, और उसमें कंप्लेनेंट ने सपोर्ट में ये डॉक्यूमेंट लगाया कि मेरा आलू मैंने कोल्ड स्टोर में जमा किया था और लगभग जो 5 लाख रुपए की कीमत का था। इस कंप्लेंट के में जब तलबी आदेश जारी हो गया तो जो एक्यूज था उसने 482 CRPC में ऑनरेबल हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। पिटीशन में ये तर्क रखा कि मैंने इनको पैसा पेमेंट कर दिया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं मिला। गवर्नमेंट एडवोकेट ने यह ऑब्जेक्शन किया कि भाई, अगर आपको पैसा मिल गया तो पहली बात तो इतनी बड़ी रकम आपने कैश पेमेंट क्यों किया, वर्तमान में कैश पेमेंट का कोई नियम नहीं इतनी बड़ी रकम का। आप पेमेंट करते तो फिर बाई चेक करते, NFT करते, NEFT नेफ्ट करते, या RTGS करते, UPI करते, कुछ भी करते, लेकिन आपने इतनी बड़ी रकम क्यों पेमेंट कर दिया। पार्ट में ही कोई पैसा आपने अगर 1,50,000, 2 लाख, कुछ भी आपने मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन से या चेक से किया होता तो ये माना जाता कि हाँ, आपने कुछ पैसा बाई कैश दे दिया होगा। कोर्ट ने भी कहा कि ये बिल्कुल सही है, और हम सबसे ये कहते हैं कि भाई, लीगल ट्रांजेक्शन कीजिए, और ट्रांजेक्शन जो हैं वो ऑलरेडी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो या चेक के थ्रू हो, कैश में इतनी बड़ी राशि ट्रांसफ़र करने का मतलब ही नहीं निकलता है। और इस आधार पर जो भाई एक्यूज था, आरोपी व्यक्ति था, उन्हें प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया और पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इतना कह दिया कि ठीक है, आप जाइए बेल करवाइए, और आपको अगर आपने पैसा दिया था तो भाई आपको पैसा रिकॉर्ड पे लाना चाहिए था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत जरूरी होता है करंट टाइम में। मैटर ऐसा है जिसमें पैसों का लेन देन का मामला है, और इसमें ये चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी कि आपने पैसा दिया है, और रकम जब अगर 5 लाख रुपए के 10-20-50 हज़ार की होती तो एक बार के लिए चल जाता, इतनी बड़ी रकम आप कैसे दे सकते हैं बाई कैश। कोर्ट ने ये माना कि भाई, ये रकम उसको, यानी जो किसान था उसे दी नहीं गई है, और आलू बेच लिया गया पूरा। इस आधार पर पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी गई। ये कहा गया कि आप जाके नीचे बेल करवाइए, और आपको यहाँ से हम कोई प्रोटेक्शन और नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, जब अगर कोई मैटर, कोई केस होता है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर आधारित होता है तो वहाँ ये हमेशा ध्यान रखिए। खासतौर पर पैसों का लेन देन आप बाई चेक कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कीजिए, या UPI कीजिए, लेकिन बाई कैश एक लिमिट तक रखिए अब वर्तमान में। अदरवाइज़ आप भी अगर केस करते हैं मान लीजिए तो आप उस धनराशि को आसानी से वसूल नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतनी छोटी सी जानकारी। आगे मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि समय से आपको जो भी वीडियो इस चैनल पर, जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं लगभग 400+ वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर। कुछ वीडियो में वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन करेंटली वॉइस क्वालिटी अच्छी है, और आप वीडियो जब भी देखें तो पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, तभी आपको जो जानकारी आप चाहते हैं वो पूरी तरह से समझ में आएगी।
तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।